गुड मॉर्निंग बच्चों, अध्याय एक टिंटे मन के तथा अस्थियां जो संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से, इसके अभ्यास संख्या चार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इसी अध्याय के दो और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जानते हैं पहला प्रश्न कौन है, ये है नगर योजना के संदर्भ में। नगर कैसे थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हर दूसरी साल जो है इससे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है, नालियों के बारे में, नगरों के बारे में, घरों के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है क्वेश्चंस कई बार बड़ा क्वेश्चन आया है, चार नंबर का या तीन नंबर का। देखते हैं अब एक एक करके हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। ये चित्र से ही अनुमान लगा सकते हैं, ये मोहनजोदड़ो का जो है वो अनुमानित जो है एक प्रकार से लगाया गया, जो खुदाई में मिला उसके अनुमान के आधार पर ये चित्र जो है तैयार किया गया है। आप देखेंगे जो विशेष व्यक्ति हुआ करते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनका जो है ऊंचे स्थान पर जो है वो इस तरह से चार दीवारी के अंदर घर हुआ करते थे, और इसी प्रकार से इनकी सुरक्षा के लिए भी चार दीवारी थी। लेकिन ये निचले तबके के लोग थे और इसलिए इन लोगों को जो है नीचे भाग में जो है वो उनके घर जो है वो बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर भी सड़कों का जो है वो आवाजाही थी, जो समकोण के ऊपर जो है काटती थी एक दूसरे को। तो इस प्रकार से इन हर घर में जो है गलियों की जो व्यवस्था थी, रास्तों की व्यवस्था थी, इस तरह से ये बसाए जाते थे। तो आज का चंडीगढ़ की बात करें तो आज का चंडीगढ़ ही इस तरह से जो है बसाया गया शहर है। तो आज से 5000 वर्ष पहले इस तरह की सोच लोगों में थी, ये जानकर जो है वो अचंभा होता है, जो आज भी देखने को नहीं मिलती है। अब जानते हैं एक एक करके। पहला भवन, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कुशल भवन निर्माता थे, अच्छी तरह से मकान भवन जो है बनाते थे, पक्की ईंटों से बनाते थे और नींव काफ़ी गहरी होती थी ताकि यह मजबूत बने और घर खुले और हवादार होते थे। ये घरों में बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान हुआ करते थे और घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे सड़क की ओर नहीं अपितु गली की ओर जो है खुलते थे, क्योंकि सड़क से एक तो प्राइवेसी की तरफ जो है वो ध्यान रहता था और सड़क में ज़्यादा हम जो है वो सड़क को सड़क की तरह इस्तेमाल कर पाएँ, इसलिए जो है सड़क की तरफ दरवाजे नहीं खोलते थे। हाँ, गलियों की तरफ, ताकि गलियां जो है वो चौड़ी रह सके, लोग आने जाने का रास्ता साफ रखे। नहीं तो ऐसा होता है कि लोग एक घर के साथ दूसरा घर जो है सटा देते हैं, तो इसलिए भी जो है उस तरफ को खिड़कियाँ या रोशनदान जो है रखे जाते थे। मकान दो तथा इससे भी अधिक मंजिलों के होते थे और इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो प्रत्येक मकान में खुला प्रांगण, रसोई घर, कुआं और स्नानागार, ये सारी चीज़ें जैसे आज मॉडर्न जमाने में इस तरह से किया जाता है, उस समय भी जो है वो ऐसा शहर, ऐसे नगर, ऐसे भवन जो हुआ करते थे। अब चलते हैं दूसरा, विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। याद रखना, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखेंगे आप, यहाँ चित्र दिखाया गया है, ये आज हो सकता है, आज की सोच हो सकती है, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व इस तरह का एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार बनाया जाना, और बड़े तरीके के साथ, वैज्ञानिक तरीके के साथ, ये अपने आप में बहुत अचंभित जो बात करती है। इसकी जो लंबाई थी 180, बाहर से देखें तो 180 फुट ये लंबा था और 108 फुट ये चौड़ा था, और इसके अंदर का जहाँ पर ये पानी हुआ करता था उसकी लंबाई जो है वो 39 फुट लंबा था, 23 फुट जो है वो चौड़ा हुआ करता था और 8 फुट ये गहरा था। तो इस प्रकार से ये इसकी लंबाई चौड़ाई। इस तालाब के निकट ही कुआं बना हुआ था जहाँ से पानी जो यहाँ पर आता था और फिर जो गंदा पानी होता था उससे जो है नाले द्वारा बाहर निकाल लिया जाता था, निकल जाता था, इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित थी। इस स्नानाघर के आसपास ही बहुत सारे कमरे भी बने हुए मिले हैं, तो जिनसे अनुमान लगाता है कि खास मौकों पर वहाँ पर जो है स्नान किया करने के लिए लोग भारी संख्या में आते होंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपको कई बार जो है वो पूछा गया है। फिर आता है तीसरा, अन्य भवनों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि एक शहरी सभ्यता थी, यहाँ पर और भी तरह के भवन जो मिले हैं, जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथल की बात कर रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े गोदाम घर भी मिले हैं, अनाघर भी मिले हैं जहाँ पर अनाज जो है सरप्लस रखा जाता था भविष्य के लिए। तो ये चित्र जो है अन्न घर का ही है, गोदाम घर का ही है। अब इसके अलावा क्योंकि शहरी व्यवस्था थी वहाँ पर सराय की व्यवस्था थी और विश्राम गृह, जो VIP लोग थे वो विश्राम घरों में रहते थे, सराय में जो लोग जो है, जो भी व्यापारी लोग होते थे वो सरायों में रहने की व्यवस्था थी, तो ये भी भवन वहाँ पर मिले हैं। फिर आता है चौथा, नालियों की व्यवस्था।
देखिए, आज भी ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। उस समय नियोजित जल निकास प्रणाली थी। ये जो नालियों की व्यवस्था थी, ये वैज्ञानिक ढंग से, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही निकाल दी है, रेखाएं लगा दी और निकल गई नालियां, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक ढंग से जो है, ये कहता है घरों की जो नालियां थी, छोटी नालियां थी, वो बड़ी नालियों में गिरती थी और वे शहर के बाहर किसी बड़े नाले में जाकर जो है गिर जाती थी, और इस प्रकार से शहर साफ सुथरा रहता था। ये कहता है जो नालियां होती थी उनको ईंटों से, पक्की ईंटों से जो ढका जाता था इस तरह से, ताकि इन्हें आसानी से उठाया जा सके, सफाई की जा सके, और इनके अंदर जो है वो कूड़ा करकट ना हो, इसलिए उनको ढका जाता था। इनसे अनुमान लगाते हैं कि लोग जो है बहुत सफाई पसंद लोग थे। तो ये हुआ नालियों की व्यवस्था। फिर पांचवा है सड़कें। देखिए, हड़प्पा के शहर जो थे उनमें सड़कों का जो है जाल जो बिछा हुआ था, आजकल का अगर मैं कहूँ चंडीगढ़ इस तरह का जो शहर वो बसा है, अगर देखेंगे आप जाएंगे तो सारी सड़कें समकोण पर काटती हैं और हर जगह जो सड़क आपको देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार ये शहर भी बने हुए थे। जो सड़कें थी वो 13 फुट से लेकर 34 फुट तक जो है चौड़ी हुआ करती थी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सड़कों पर चौराहे भी बनाए जाते थे, और इस ढंग से बनाए जाते थे, ये जो चौराहे थे इस ढंग से बनाए जाते थे कि जब कभी भी हवा लगे तो हवा से अपने आप ही साफ हो जाएं सारी की सारी सड़कें। और इसके अलावा रोशनी की व्यवस्था, रात को रोशनी की व्यवस्था भी वहाँ पर स्थापित थी। ये होगा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, वह है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। ये कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ। इस संबंध में विद्वानों के बिल्कुल अलग अलग मत हैं। जब तक इस सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा ना जा सके, तब तक यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि पतन कैसे हो। लेकिन फिर भी एक अनुमान के तहत जो विद्वान है वो मानते हैं कि यह सभ्यता लगभग 1200 ईसा पूर्व के लगभग जो है लुप्त हो गई। और इस सभ्यता के पतन के जो कारण थे वो विद्वान इस तरह से बताते हैं। पहला, आर्यों के आक्रमण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ऊपर आता है वो आता है आर्यों के आक्रमण। अनेक इतिहासकारों का यह मत है कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि ऋग्वेद में इस बात के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि एक उनमें लिखा गया है कि आर्य लोगों ने ऋग, अपने जो देवता थे सबसे इंपॉर्टेंट देवता उस समय इंद्र हुआ करते थे, तो उनको जो है उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि उनके शत्रुओं के दुर्गों को नष्ट किया जाए। दुर्ग दुर्ग होते किला, क्योंकि जितने भी नगर मिले हैं उनके चारों तरफ जो दीवारें जो है वो बनी होती थी, तो उन दुर्गों को नष्ट करने की जो है वो प्रार्थना उन्होंने इंद्र देवता से की। और इंद्र देवता द्वारा जो नष्ट किए जो दुर्ग थे उनमें एक नाम जो है वो आता है हरि यूपी। हरि यूपी जो है उसकी पहचान विद्वानों ने हड़प्पा नगर से की है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से मानते हैं, सबसे ज़्यादा जिस बात को माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो है वो आर्यों के द्वारा हुआ। फिर आता दूसरा, बाढ़। एम आर साहनी और जॉर्ज डेल्स ने ये कहा है, क्योंकि यह हड़प्पा जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो बसी हुई थी, इसलिए ये मानते हैं कि यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई होगी और इसके कारण जो है ये जो शहर थे वो खत्म हुए होंगे। मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो और हड़प्पा की या लोथल जो नगर हैं उनका विनाश जो है वो बाढ़ के कारण ही हुआ है, ये उन्होंने सिद्ध किया है वैज्ञानिक तरीके से। अगर मोहनजोदड़ो के बात में पढ़ा बात करते हैं तो उसे कहा जाता है मुर्दों का शहर, और ये भी कहा जाता है क्योंकि ये जो शहर था 7 बार बसा था, उजड़ा था, 7 परतें मिली हैं, तो मतलब ये परतें किसके कारण, बाढ़ आती थी फिर ये फिर से ख़त्म हो जाता, फिर से बसाया जाता था। चौहंदड़ो में 2 परतें मिली हैं, तो इस प्रकार से ये सही अनुमान है कि मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, हड़प्पा, लोथल का विनाश किससे हुआ, भयंकर बाढ़ के कारण हुआ। फिर आगे आता तीसरा, भूकंप। कुछ विद्वानों का यह भी मान्यता है कि जो हड़प्पा शहर है उनका विनाश जो है संभवतः उसमें बड़े पैमाने पर भूकंप आया होगा और इन शहरों का नामोनिशान मिट गया। इन भूकंपों के कारण अनेक जो नदी थी उनके मार्ग जो बदल गए और इस कारण जो बस्तियां थी वो उजड़ गई, क्योंकि अब नदियां वहां से नहीं बहने लगी, तो इस प्रकार से पानी के
न मिलने के कारण भी ये बस्तियां उजड़ गई, तो ये भूकंप का कारण माना। चौथा मानते हैं विद्वान कि अग्निकांड भी इसका कारण जो है विनाश का कारण रही होंगी कुछ जगह के ऊपर, जैसे कि बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर नीचे से राख मिली है, तो इससे संकेत मिलता है। क्योंकि एक और बात है कि जो घर बनाए जाते हैं, भवन बनाए जाते हैं, तो उनमें लकड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, तो संभवतः ये कारण भी रहा होगा। लेकिन ये मानते हैं कि कुछ ही स्थल जो है, जैसे बलूचिस्तान की बात करें, इसका विनाश अग्नि से हुआ होगा। फिर पांचवा आता है पर्यावरणीय असंतुलन। मार्शल जॉन मार्शल तथा अन्य विद्वानों का तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश मुख्य तौर पर पर्यावरणीय असंतुलन भी रहा होगा, जैसे कि आजकल देखने को मिलता है हर कहीं, कहाँ कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर कुछ हर कुछ जो हो रहा है, तो तबाही हो रही है। तो ये कारण भी रहा होगा पर्यावरणीय असंतुलन के कारण आरंभ में, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो बड़े क्षेत्रों में फैली हुई थी, वहाँ पर बड़े जो है वो जंगल हुआ करते थे, लेकिन जंगल काटे जाने लगे कृषि करने के लिए, भवनों को बनाने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए, उस प्रकार से जब ये जंगल ख़त्म हो गए तो वहाँ पर जो बंजर जमीन हो गई और इस प्रकार से अकाल पड़ गए और इस प्रकार से वहाँ का सभ्यता का विनाश हुआ, ये कहते हैं जॉन मार्शल पर्यावरणीय असंतुलन। फिर छठा था महामारी। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो है किसी महामारी, प्लेग अथवा मलेरिया, देखिए ये बीमारियां उस समय बहुत खतरनाक हुआ करती थी। अगर आज भी हम बात करते हैं, आज देखिए दौर है किसका, कोविड-19, लोग लाखों की तादाद में मारे जा रहे हैं, तो ये अनुमान भी सही लगता है कि कहीं ना कहीं इन बीमारियों के कारण जो है लोग मारे गए होंगे बहुत अधिक मात्रा में, और इस प्रकार से ये भी कारण होगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का। सातवां था बढ़ती जनसंख्या। ये कहता है कि कुछ विद्वानों का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या, जो काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी थी, हड़प्पा सभ्यता में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्राकृतिक तथा आर्थिक संसाधनों में काफ़ी कमी आई होगी। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जंगलों को काटा गया, उनको साफ किया गया, तो इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो है, या जनसंख्या, इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि जनसंख्या बढ़ी इसीलिए जो प्राकृतिक प्रकोप हुए, तो इस कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, यह सातवां आया। फिर हम बात करते हैं आठवां, व्यापार में गिरावट। ये भी कहते हैं आर एस शर्मा कहते हैं उनके विचार के अनुसार कि विदेशी व्यापार जो उस समय बहुत बड़ा एक कमाने का साधन था, उसमें गिरावट आई होगी, और गिरावट के भी दो कारण रहे होंगे। प्रथम ये कहता है कि कृषि और उद्योग धंधों में उत्पादन में कमी आई, जलवायु परिवर्तन हुआ, कृषि खत्म हुई, इसके कारण उद्योग धंधे खत्म हुए। और दूसरा ये बोलता है कि 1700 ईसा पूर्व के आसपास उन देशों में राजनीतिक अस्थिरता आई होगी, या ये भी हो सकता है कि जिन देशों के साथ व्यापार होता था वहाँ पर अस्थिरता आई होगी, वो देश भी तबाह होंगे, इस कारण जो है वहाँ से भी हमारा जो है जो विदेशी व्यापार है वो भी ख़त्म हो गया, तो इस प्रकार से ये अकाल वाली स्थिति जो है वो पैदा हुई, और इस कारण जो है इस सभ्यता का जो सभ्यता रही अर्थव्यवस्था छिन भिन हो गई, और इसके कारण ही ये सभ्यता विनाश के कर्ग में चले गई। तो ये आठ कारण जो है वो आपको एक एक करके मैंने समझाया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ दिमाग में समझ में बिठाने वाली बात है। निष्कर्ष ले लेते हैं कि अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। अगर हम कहें कि आर्यों के ही कारण हुआ, अगर हम करें पहाड़ों के ही कारण, ऐसा नहीं था, हर जगह अपना अपना कारण जो है उत्तरदायी था। ये पहली बात। वास्तव में इस सभ्यता के विनाश के लिए प्रकृति और मनुष्य दोनों ही उत्तरदायी हैं। ये कहता है प्रकृति और मनुष्य, प्रकृति क्योंकि उस समय प्रकृति भरपूर तरीके से हावी रहती थी, मनुष्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनुष्यों ने जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, इसलिए जो है उसे विनाश जो है भुगतना पड़ा। ये आज की ही स्थिति है। देखिए अगर आज भी हम देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में हमने प्रकृति के साथ जो विनाश किया है, अब वो हमारा विनाश करने पर उतर आई है। बहुत सारी चीज़ें जो कभी देखने को नहीं मिलती हैं वो ऐसे सीज़न में मिलती हैं जब वो उसके विपरीत सीज़न हो। अमेरिका में इतना अमेरिका वाला जो एरिया है इतना बर्फ ज़्यादा पड़ रहा है कि लोग जो है उसी में दबकर मर रहे हैं। बाढ़ें जो है इतनी ज़्यादा हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारतवर्ष इसका जो है एग्जाम्पल है, चाइना इसका एग्जाम्पल है, या फिर अभी अभी जो है आप देखेंगे जंगलों में आग, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जंगलों में आग लग गई है जिसके कारण तबाही हो गई। तो ये जो कारण है प्राकृतिक प्रकोप हैं, ये कहीं ना कहीं मनुष्यों के ऊपर जो है उत्तरदायी रहे। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा इस सभ्यता के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब जान लेते हैं लास्ट में
कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। हम यही सोच सोच कर जो है अपना जीवन जीते हैं कि दूसरा क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम अपनी आत्मा, तुम अपने अंदर जो है अपने बारे में क्या सोचते हो। जब भी तुम अपनी अंतरात्मा से अपने बारे में सोचते हो वो बिल्कुल सही होता है, स्टिक होता है। इसलिए अपने अंदर जो बैठा है परमात्मा उसकी सुनो, आप अच्छा ही अच्छा करेंगे। इस देश का भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने फिर से मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।